जेएम ने संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को लेकर बाबूलाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जांच से नहीं डरते हैं, आरोप लगाने की जगह सरकार एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करे। जेएम के आरोपों पर बाबूलाल मरांडी का पलटवार, एफआईआर दर्ज कर कंपनी की संपत्ति जब्त करने की चुनौती। बाबूलाल मरांडी ने कहा जांच से नहीं डरते। जेएमएम के आरोपों पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। दुमका में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आरोप लगाने के जगह पर सरकार को संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड पर केस दर्ज कराना चाहिए और अवैध संपत्ति को जब्त करना चाहिए। बिना विलंब किए मैं हेमंत सोरेन जी को कहता हूँ कि अब एफआईआर उस कंपनी पर दर्ज करिए और उन लोगों ने जितनी भी दौलत कमाई उसमें से इलीगल, अब वो सारी चीज को आप जब्त कर लें। अब क्यों चुप है? और मैं तो सहयोग करूंगा जांच में। ये राजनीति ऐसे नहीं चलेगी भाई। आप बता रहे हो कि अरबों रुपया उसने इन्वेस्ट किया, जमीन की सैकड़ों एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि कहां कहां जमीन है, हेमंत सोरेन का वो घर देख रहे ना, शिव सोरेन का वहां भी घेरा हुआ है। हमने कहा कि जब्त करो, एफआईआर करो। आपके पास पुलिस प्रशासन है, एफआईआर किसके ऊपर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? जनता को भ्रमित करने की कोशिश मत करना। आपने पाप किया है तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जेल जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप देखिए कि आप आपके आरोप में कितनी सत्यता है। आप हमेशा जनता को बरगलाने का आपने प्रयास किया है और फिर आप इसी तरह के भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जेएमएम के महासचिव ने बाबूलाल मरांडी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड में बाबूलाल का काला धन लगा है। संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड किसकी? संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के तीन डायरेक्टर बाबूलाल मरांडी के भतीजे रमिया मरांडी हैं डायरेक्टर। बाबूलाल के करीबी सुनील तिवारी की पत्नी लालिमा तिवारी भी हैं डायरेक्टर। मिहिजाम के योगेंद्र तिवारी भी हैं डायरेक्टर। संथाल परगना बिल्डर्स में बाबूलाल मरांडी का काला धन। हम लोग तो कह रहे कि हम लोग धीरे धीरे तथ्यों को सामने लाएंगे और उसके बाद सारा तथ्य से ईडी को अवगत करवा देंगे और ईडी अपना जांच करे, क्योंकि हम यदि जांच करें फिर कहेंगे कि दुर्भावना से हो रहा है, तो बेटर है कि सेंट्रल एजेंसी जांच कर ले। जो सरकार कर रही है, जिनके पास सबूत जिनके तथ्य आ गए उन पर कर रही है। अभी और तथ्य हम लोग बाबूलाल जी का जुटा रहे हैं, उन तथ्यों को धीरे धीरे आने दीजिए। जेएमएम के इसी आरोप पर बाबूलाल मरांडी ने एफआईआर दर्ज कर जांच करने का सुझाव दिया है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन ने गलत नहीं किया है तो फिर ईडी से क्यों भाग रहे हैं? आपने कोई चोरी नहीं किया है, आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है, तो चले जाइए ना ईडी के दफ्तर में, आप सब कुछ बता दीजिए। क्यों आप घबरा रहे, क्यों आप डर रहे हो? आपने कहीं छुपाया क्या है? अगर आपके पास सब कुछ पाक साफ है तो, लेकिन उन्होंने तो काली कमाई की है, लोगों की, गरीब लोगों को उन्होंने लूटा भी है। संकल्प यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। इसी दौरान बाबूलाल मरांडी ने दुमका में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। दुमका से राकेश के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।